नमस्कार, मैं संजय सनम। YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, सामाजिक सेवा में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे कामों के साथ अगर कोई व्यक्ति समाज को एक साथ जोड़ने का काम करता है, यानी जिस समाज में बहुत सारे संप्रदाय हों, बहुत सारे पंथ हों, बहुत सारी परंपराएं हों, बहुत सारे रीति रिवाज हों, उन सब मान्यताओं को स्वीकार करके सबको एक साथ जोड़ना, सबको एक साथ लाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का विषय बनता है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जैन समाज के एक जाने पहचाने चेहरे से, जो राजस्थान में जालोर के पास मोकुलसर से आते हैं, लेकिन जिनकी जन्मभूमि बीजापुर कर्नाटक रही है, जिनकी कर्मभूमि सोलापुर, सोलापुर के बाद बेंगलोर कर्नाटक में जो निवास कर रहे हैं और यहीं से सेवा के विभिन्न उपक्रम चला रहे हैं और उसके साथ साथ सामाजिक और धार्मिक रूप से लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बेंगलोर से श्रीमान बाबूलाल जी मेहता साहब। मेहता साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मेहता साहब, आपका डिजिटल फर्स्ट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। मेहता साहब, हमने आपके बारे में सुना है कि जैन धर्म में एक सैधार्मिक शब्द आता है। सैधार्मिक का मतलब जैन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन अलग अलग संप्रदाय के लोग भी सैधार्मिक माने जाते हैं और विभिन्न संप्रदायों की परंपराओं में मतांतर रहता है और मतांतर में यूनिटी करने की कोशिश में जो कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं उसमें एक नाम आपका भी आता है। तो मेहता साहब, आपको क्या लगता है? पहला सवाल मेरा ये है, हालांकि आपकी सेवा के क्षेत्र दूसरे भी बहुत हैं, आपके माता पिता के नाम से एजुकेशन सेंटर भी चलता है, आप लोगों को वेजिटेरियन बनाने की कोशिश करते हैं, शाकाहार में आप जो है लोगों को प्रेरणा देते हैं, बहुत सारे उपक्रम आपके चल रहे हैं, वो हमारे तक भी पहुंचे हैं लोगों के माध्यम से, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो यूनिटी है जैन धर्म में सभी संप्रदायों के बीच में, ये ख्याल आपको कैसा आया और आपको क्या लग रहा है आज के दौर में ये कितनी बड़ी चुनौती है? तो ऐसा है कि मैं बचपन से बीजापुर से ही इस काम में मेरा मन लग गया था और मुझे तभी भी लगा था कि सभी संप्रदाय एक नहीं हुए तो जैन एकता को खतरा ही हो जाएगा भविष्य में, क्योंकि छोटा सा समाज है और हम बिखरे बिखरे है, लक्ष्यवाद इतना बढ़ गया है। तो मैं बीजापुर से जुड़ गया था, अपने दिगंबर सितंबर की मैंने मीटिंग ली थी, मुझे गर्व है कि तब मैं यूसी सेकंड ईयर में था तो पहली मीटिंग में मैं गया था। तब से आज तक सभी साधु भगवंत को मिलता हूँ, मेरे पैम्पलेट देता हूँ, मैं पैम्पलेट लिखता रहता हूँ गुरु भगवंतों को, सबके एड्रेस मेरे पास है जी। कम से कम 800 आचार्य भगवंत है, सबके एड्रेस मेरे पास है, सबको हाथ जोड़ता हूँ, मिलता हूँ कि भाई सब एक हो जाओ और कम से कम महावीर जन्म कल्याणक को एक दिन मनाओ, तो ऐसा प्रयत्न चालू है मेरा। और सभी, जैसे बेंगलुरु आ गया तो बेंगलुरु में मैंने 2 साल पहले सभी संप्रदायों के प्रमुख लोगों की मीटिंग ली थी और सभी ने मिलकर, सभी आचार्य को मिलकर आए, तेरापंथी रहो, स्थानक रहो, मंदिर माई रहो, तो श्रावक तो एक हो जाते हैं पर गुरु भगवान तो भाई थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो उनका ईगो आड़े आता है कहीं ना कहीं, पर ये दर्द है, ये समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है। ये आपके लिए बहुत चुनौती की बात रही है। आपने कहा कि श्रावक यानी समाज के लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जो आचार्य हैं, जो संत हैं, आध्यात्मिक पथिक हैं, उनका ईगो, उनका अहम कहीं ना कहीं टकराता है, वो चाहे सैद्धांतिक टकराए, वो चाहे अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के टकराए। आपको लगा है कि इनके बीच में भी ये भावना रहती है कि मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा नहीं है, आपस में ये भावना भी कहीं ना कहीं आड़े आती है कि इनसे बड़े तो हम हैं? 100% आपकी बात बरोबर है। हमने सब आचार्य क्या बोलते हैं कि हम तो तैयार है। मेरे पैम्पलेट देते हैं कि बाबू भाई आप सही बात है, बहुत मुश्किल है आजकल, तो ऐसा स्कूल होनी चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, वो होना चाहिए,
और वापस जब भी मौका आता है तो सिर्फ एक ही बात करते रहते हैं, एक ही साइड में चलते रहते हैं, मंदिर होना तीर्थ होना, हम किसके विरोधी नहीं है। बिल्कुल जी। जैसे आज अभी दर दर फिर रहा जैन समाज, भिखारी की हालत हो गई है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, अपने हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल में बच्चे ईसाई बन रहे, ईसाई की तरफ जा रहे हैं तो, और उनको वो इंग्लिश सीख रहे हैं, उनको अभी धर्म की बातें भी मालूम नहीं पड़ रही है, तो इसकी चिंता कौन करेगा? गुरु भगवान नहीं करेंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। तो ये प्रयास मेरा बहुत ही रहता है, बहुत ही व्हाट्सएप पे लिखता रहता हूँ, सबको हाथ जोड़ता रहता हूँ। 300 मीटिंग ली मैंने आज तक, छोटी मोटी 300 मीटिंग ली। शादी में भी जाता हूँ तो आधा घंटा मीटिंग होता तो दो घंटा मीटिंग चलती है कि भाई जैन समाज का क्या नाम था, अपने को कितना क्या रिस्पेक्ट था, और आज अपनी क्या हालत हो गई है। जी। सर आडम्बर इतना बढ़ गया कि बहुत दुख होता है, सामाजिक और धार्मिक में आडम्बर बढ़ गया है। और वही लोग जब घर में कुछ कार्यक्रम होता है तो जैन शिक्षकों की ध्वजा उड़ाते हैं और फिर लोग आगे आके बैठते हैं और गुरु भगवान जी उनको आगे बढ़ाते हैं, शायद पैसे के जोर पे आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, आपने मेरा सवाल आपने खुद छीन लिया। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जो साधु आचार्य भगवंत हैं उनके मन में, उनकी नजरों में निष्पक्षता कितनी है, बल्कि पैसे के प्रति आसक्ति कितनी है? 80% में 70% आचार्य भगवंत अपने क्या बोलते हैं आगम वो बात करते हैं कि अरे भाई हम स्कूल या हॉस्पिटल की बात नहीं कर सकते, तो आगम के हिसाब से कहाँ चलते हैं वो। सभी जगह आसक्ति आ गई है और सभी को अपनी अपनी प्रेस्टीज हो गई है। दो तीन आचार्य भगवंत ने तो ये कहा कि आजकल दक्षाधिपति का भी कोई सुनता नहीं है, ऐसी पोजिशन आ गई है। अभी ये दर्द बहुत है, आप इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और आपने कहा कि श्रावक एक होने को तैयार है लेकिन संत समाज, आचार्य समाज ये एक होने को तैयार नहीं है। लेकिन आपसे मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, आपसे एक बात मैं ये जो पूछना चाहता हूँ कि हम लोग संत आचार्यों के पीछे रहते हैं, ये बात सही है कि वो मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन संरक्षक की भूमिका तो श्रावक की है। अगर श्रावक सामाजिक जो व्यवस्थाएं नहीं देगा तो फिर वे क्या करेंगे? तो क्या श्रावक अपनी आवाज पुरजोर आवाज नहीं उठा सकता कि आप लोग आगम सम्मत क्यों नहीं चल रहे हैं? भगवान महावीर के उपदेशों का, आदेशों का, निर्देशों का सही रूप से पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें कमी क्यों है श्रावक समाज की? मेहता साहब, यस, अभी कैसा हो गया है कि महावीर भगवान को मानते हैं पर महावीर की नहीं मानते हैं, और 80% अपना समाज अभी 70% समाज अपना मिडिल के लेवल का है। उनके लिए दुकान भला और घर भला, साल में एक फंक्शन में 1-2 लाख खर्च किया और अपना काम से मतलब है, कोई उनको चिंता है पर आगे नहीं आ सकते, बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और 10% है वो पैसे के नशे में शूर है, समझो आप, पैसा बस वो अपना नाम के लिए खर्चा भी करते हैं, मगर सिद्धांत की धज्जा उड़ रही है या वो सब मालूम होते हुए भी आग मिस के वो रहते हैं। और 2% अमर जैसे कोई बोलने वाले मिलते हैं तो उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है, पर बहुत मुश्किल है कि वो तो क्या लिखता रहेगा, वो तो क्या बोलता रहेगा, और साथ भी उसको साइड में कर लेते हैं। बिल्कुल, तो उनको मैं बहुत जगह जाता हूँ और मारा साहब बोलता हूँ कि 10 साल के बाद अभी जो भीड़ कम हो गई आपके पास, 10 साल के बाद ये भीड़ भी नहीं आएगी व्याख्यान में, हॉल में कहाँ यंग लड़के हैं, 70-75 की 80 के लोग आके बैठ जाते हैं व्याख्यान में और लेडीज का हिसाब से हॉल फुल हो जाता है, तो नई पीढ़ी कहाँ गई है, उनकी कौन चिंता करेगा? पहले आप आते थे साधु भगवंतों को लेने जाते थे, आजकल डायरेक्ट आना पड़ता है। जी, सब बातों का विचार साधु समाज आचार्य भगवान भी करेंगे और समाज के आगेवान भी करेंगे, तो भविष्य अपना उज्जवल रहेगा, उम्मीदों पर संसार टिका हुआ है, देखते क्या होता है। मेहता साहब, आपने बहुत जो है कड़वा अनुभव अपना रखा है। मेरा सवाल ये है कि जिनके पास मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी है पूरे समाज को, आपको क्या नहीं लगता वे खुद नियमों से बंधे हुए नहीं चल रहे हैं? अन्यथा
अन्यथा एक अपरिग्रही साधु को दौलत वालों के प्रति इतनी आसक्ति क्यों? उन्हें तो आदर्श वाले श्रावकों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। अभी पहले तो 20 साल पहले उनकी कीमत की जो आदर्शवादी है, वो सुबह रोज पूजा करते हैं, प्रतिम करते हैं, समाज के उधर मीटिंग में जाते हैं, उनकी कीमत थी। अभी पैसे का बोलबाला 90% जैन समाज पे हावी हो गया है। और अभी सिंपल बात है कि जैसे आचार्य रत्न सेन सूरी जी ने कहा था कि मोबाइल जो आज वापर रहे साधु भगवान, ये हमारे लिए सत्यानाश का कारण होगा, ऐसा उनका वर्ड है। व्याख्यान में बोलते हैं कि पर्यावरण को का ध्यान रखना होगा और पेपर का यूज नहीं करना, ध्यान रखने कर्म बनेंगे। और जब कोई फंक्शन होता है तो पत्रिका छपती है हजारों पत्रिका, क्या जरूरत नहीं है? मगर उनके जो भी चेले रहते हैं, उनके जो भी श्रावक रहते हैं, उनको सब सबको भेजते रहते हैं और अपन 2 साल के बाद 1 साल के बाद वो कचरे में जाती है। तो आसाधना के भागीदार हम भी होते हैं, तो ये सब बोलते हैं मगर सुनते नहीं है, मुश्किल हो रहा सब। मतलब आपको ये लगता है कि कुछ जो साधु आचार्य भगवंत हैं वो विसंगतियों के खिलाफ हैं, वो विसंगतियां नहीं चाहते, लेकिन एक तबका ऐसा है जो सुविधावादी है, जो जो सुविधाएं चाहता है, जो ये आपको यूं कहूं कि जो टेक्निकल दौर है उसके साथ अपडेट होना चाहता है, उन्हें भगवान महावीर के आगम के आदर्शों की परवाह नहीं है, उन्हें आज के दौर में जीना है। आज के दौर में जीने के लिए अगर आगम का उल्लंघन होता है तो हो जाए, यही बात है। 70% वही बात है। मैंने बहुत से साधु भगवंतों को एसी वापरते हुए देखा है, एसी वापरते हुए देखा है। तो हमने पूछा, भाई क्या बात है? नहीं, श्रावक करके गए, हमको मालूम ही नहीं है, अरे ठंडी हवा आ रही है, उतना तो समझ सकते ना हम। वो शिथिलता बहुत आ गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी जी। और हम नहीं संभले, जैन समाज नहीं संभला, तो जैन समाज इतिहास में समा जाएगा। सिर्फ जैसे बाकी धर्म है कि सुबह राम और शाम को समझ जाओ, वो हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। मेहता साहब, एक सवाल है मेरा। हमारे जो एक आगम विशेषज्ञ हैं कैलाश राज सिंह जी साहब, जिनसे हमारी कई बार बात हुई है, कई साक्षात्कार हमने लिए हैं, उसमें वो बताते हैं कि आगम ये स्वीकार नहीं करता कि जैन धर्म का कोई भी संत आचार्य को राजकीय सम्मान, राजकीय अतिथि का पद या कोई भी तरह का सम्मान उसे दिया जाए और वो उसे ग्रहण करे। लेकिन आजकल साधु आचार्य जो हैं वो राजकीय अतिथि का सम्मान राज्य सरकारों से लेने के लिए बड़े प्रसन्न रहते हैं, उसे वो नकारते नहीं और श्रावक भी वो सम्मान ला करके देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस पद्धति को नहीं रोका जा सकता? श्रावक क्या इसे नहीं रोक सकते? श्रावक मजबूत रहा और श्रावक एक हो गए तो सब कुछ हो सकता है। श्रावक की बहुत बार अपनी प्रेस्टीज के लिए, मेरा मिनिस्टर, मेरा सीएम दोस्त है, ये दोस्त है करके वो सभी राष्ट्र संत या अतिथि एक स्टेट का अतिथि, मतलब तो भी कैसा प्रेस्टीज का सिंबल हो गया है। मतलब श्रावक ये अपना अपना एक स्टेटस दिखाता है गुरु भगवंतों के सामने कि उसका कितना बड़ा अप्रोच है, उसका कितना बड़ा दायरा है, उसका कितना बड़ा कांटेक्ट है, वो ये बताता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस बताने के चक्कर में वो साधु संत भगवंतों के पाप कर्म का बंध बनता है और भगवान महावीर के आदर्श नियम आगम की अवहेलना करता है। तो मेहता साहब, आपको नहीं लगता कि जो लोग जगे हुए हैं उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए, उन लोगों को इस मामले में भी आवाज उठानी चाहिए? नहीं, ऐसा तो मेरा एक्चुअली 2 साल पहले प्लानिंग था और कम से कम इंडिया से 100 लोग जो एक्टिव हम साथ में एक मीटिंग करने वाले थे बॉम्बे में वगैरह जी, और आगे
सभी गच्छाधिपति और जो बड़े बड़े आचार्य है क्या तो मिलके कुछ तो जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है, और उससे क्या होगा कि बाकी जो गुरु है समाज के, बाकी समाज के जो गुरु है सभी सुविधा वापरते हैं मगर वो गुरु के स्तर पर बैठे हैं, वही हालत अपनी हो जाएगी। वो भी पैसा भी रखेंगे, कल गाड़ी भी रखेंगे, एसी में बैठेंगे, आप समझ जाओ कि आगे क्या क्या हो सकता है। और जैन धर्म इतना कड़क है, इतना स्टैंडर्ड है कि पूरे दुनिया में आज भी एक ही धर्म रहा है जैन धर्म, कि जो 2600 साल पहले भगवान महावीर ने बताए हुए मार्ग पे आज भी 90% चल रहा है, उसमें दो राय नहीं है, मगर धीरे 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 मामला बढ़ रहा है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ मेहता साहब, 90% चल रहा है, इस बात पर मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो उदाहरण देखे हैं उसमें उसमें आदर्शों की धज्जियां उड़ता हुआ मैंने ज्यादा देखा है। हो सकता है आपने आपने कुछ जगह ऐसी चीजें देखी हो जहां आदर्शों का पूरा पालन किया जाता हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ी पाखंडों का विश्वास नहीं करेगी, आडंबरों का विश्वास नहीं करेगी। तो जैसा आपने एक सवाल उठाया अपने जवाब में कि इनके पास भीड़ ही नहीं आएगी, जब लोग इनके पास नहीं आएंगे तो फिर इनके साधु संत भगवंत होने का उद्देश्य क्या रहेगा? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि तकलीफ है कि अभी नई पीढ़ी, जिससे भी बात करता हूँ, 80% पब्लिक को साधु भगवंतों का जो व्यवहार चल रहा है, जो आडम्बर चल रहा है, जो बड़ा सुविधा सुख सुविधा ज्यादा वापर रहे हैं और आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली है, या तो आप आत्म कल्याण करो पूरा, या समाज का तो काम करो कम से कम, वो दोनों डगर पे तो नहीं बैठ सकते वो। तो नई पीढ़ी आजकल व्याख्यान से गायब है, उनको कोई पसंद ही नहीं है, वो बोलते यही बोलते कि ठीक है व्यवहार है, गुरु भगवंत आ गए तो माता पिता के साथ जाना पड़ता है। तो आगे यही हालत होने वाली, आपको बोल देता हूँ कि 5% लोग ही उनकी सेवा में रहेंगे, बाकी समाज साइड में हो जाएगा, और हो रहा है। मेहता साहब, नई पीढ़ी नहीं बैठ रही है, उसको नहीं जम रहा है, नहीं भा रहा है, इसमें नई पीढ़ी का दोष नहीं, इसमें दोष है समझाने वालों का। यानी इसका मतलब हमारे आचार्य भगवंतों के पास उस तरह का उपदेश नहीं है, उस तरह की समझाने की शैली नहीं है, उस तरह का कंटेंट नहीं है। कंटेंट अगर मजबूत हो तो लोग रुकते हैं, लोग समझते हैं। नई पीढ़ी सिर्फ बातों को ऐसे ही नहीं, थोपी हुई बातों को स्वीकार नहीं करेगी, वो समझेगी परिप्रेक्ष्य में, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेगी। उसको समझाने के लिए भगवान महावीर को समझाना उन्हें आवश्यक है, लेकिन साधु संत भगवंत तो अपने आप को समझाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, भगवान महावीर को समझाने की कोशिश कम करते हैं। राइट राइट राइट। बहुत जगह तो ऐसा ही होगा कि भगवान महावीर साइड में हो गए और खुद ही बड़े हो गए। तब सर इसमें आप जैसे लोगों की भूमिका क्या होगी? बस हमारा प्रयत्न चालू है, और समविचारी का एक विचार तो है कि ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी 100-150 लोग आएंगे, मैसेज भेजेंगे आप व्हाट्सएप के माध्यम से वगैरह, कि भाई एक बार मीटिंग लेने का विचार कर रहा हूँ मैं, तो मेरे लेवल पे मैं छोटा आदमी हूँ और मेरे लेवल पे मैं साहब इतना जानता नहीं हूँ, पर लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मेहता साहब, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अधिक है, कम नहीं है। आपने 300 करीब मीटिंग ली है, लेकिन मीटिंगें करने से देखिए कोई विशेष फल नहीं हुआ। आवाज उठनी चाहिए, क्रांतिकारी क्रांति के स्तर पर आवाज उठनी चाहिए, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों में चिट्ठी जानी चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि ये हमारे धर्म के सम्मत नहीं है, ये हमारे महावीर की परंपरा और आदर्श के सम्मत नहीं है। इसलिए अगर कोई लोग आपको इनके लिए सम्मान देने के लिए अगर कोई सिफारिश करें तो कृपया उसे आप स्वीकार न करें, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से पूरे धर्म संघ की जो एक आस्था है भगवान महावीर के आगम के सिद्धांतों की, उसकी अवहेलना होती है। क्या ये काम नहीं किया जा सकता? सरकारी लेवल पर सबको चिट्ठियां नहीं दी जा सकती? किया जा सकता है, और आप जैसे मीडिया वाले भी हमारा साथ देंगे और इस आवाज को भी उठाएंगे, बेशक, और उठाने भी जरूरी है, क्योंकि हमारे साधुओं में ही कॉम्पिटिशन लगता है कि भाई उनको मिला है राष्ट्रीय दर्जा तो मुझे क्यों नहीं। बिल्कुल। और फिर वो पीछे पुलिस वगैरह नेता चलते हुए समस्या हो जाएगा धीरे धीरे। मेहता साहब, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक छोटा सा समाज
एक छोटे से समाज में बहुत सारी धाराएं, चलिए इसमें भी कोई बात नहीं, अलग अलग परिपाटियां हैं, लेकिन ये छोटा सा समाज और समृद्ध समाज है, इसमें बहुत सारे लोग माँ लक्ष्मी की कृपा से, कह दीजिए जैन धर्म में कहूं तो माँ पद्मावती की कृपा से कह दूं कि बड़े समृद्ध लोग हैं, और बड़े समृद्ध लोग अपनी समृद्धि का, कुछ अपवादों को छोड़कर, अपनी समृद्धि को आडंबर में, पाखंड में खर्च करते हैं। वे ये नहीं देखते कि हमारे समाज में ही हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनका काम व्यापार अच्छा नहीं है, जिनके पारिवारिक जीवन में भरण पोषण अच्छे से नहीं हो रहा, जिनके बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे, जिनके परिवारों को समय पर चिकित्सा अच्छे से नहीं मिल रही। तो धर्म तो यहाँ पर होना चाहिए, पाखंड और आडंबर क्यों कर रहे हैं और आचार्य भगवंत क्यों करवा रहे हैं, ये सवाल क्या नहीं बनता? अभी आपको खुशखबरी देता हूँ कि गुरु भगवंतों को छोड़े साइड में नई पीढ़ी करके करना नहीं चाहती, वो नहीं बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट तो ही है, पर वो समाज के तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो आज भारतीय जन संगठन है, जीथो है, जैन सोशल है, अभी परसों है आप बेंगलोर में अभी हॉस्पिटल है, तो नए ट्रस्टी बनाए, 10 दिन में 41 लाख के एक ट्रस्टी, 41 लाख का एक ट्रस्टी, और 80 ट्रस्टी बन गए 10 दिन में। तो आप विचार करो कि लोगों की मानसिकता बदल रही है। क्यों बदल रही है? कि साधु भगवंतों का वो का वो बोलना, वो का और कुछ करना नहीं, समाज के कुछ बोले, स्कूल के बारे में बोले तो ये हमारा काम नहीं, हॉस्पिटल के बारे में बोले तो हमारा काम नहीं है। तो हॉस्पिटल तो साधु भगवंत भी यूज करते हैं ना, बिल्कुल। मानव बचेगा, जैन समाज बचेगा तो धर्म बचेगा जी। सात्विक भाइयों के लिए भी अच्छी तरह से फंड होना चाहिए, हर मंदिर में एक फंड होना चाहिए। ये आज देखिए है, देव द्रव्य के नाम पर या जो भी है, देव द्रव्य क्या है मुझे मालूम नहीं इतना, पर आज अगर जैन समाज के लोगों को काम नहीं आएगा, हम मर रहे और हमारे लोग काम नहीं आएगा, हमारे साधारण भाई आज गए कोरोना के काल में और अभी कोरोना काल में बहुत ही हालत खराब हो गई, कमजोर हो गए, 3-4 महीने को देने से मतलब नहीं है। उनके लिए व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है, इंश्योरेंस व्यवस्था है, तो मंदिरों के पास इतना पैसा पड़ा है तो थोड़ा उसका यूज कर सकते हैं ना, खराब वक्त के भाई चलो 20% बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। 20% क्यों, समाज समाज की जान को बचाने के लिए अगर पूरा का पूरा पैसा दिया जा सकता है तो दिया जाना चाहिए। बात बरोबर है कि अभी तो पूरा पैसा लगा तो चलता है, ऐसी पोजीशन आ गई है बिल्कुल, पर जनरली दीक्षा है, उपदान है, नवदान है, उसमें से नियम होना चाहिए जो भी इनकम होगी उसमें से 20-25% हम साधारणिक भाइयों का जो फंड रहेगा उसमें हम उसमें वो फंड बनाएंगे और उसके हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे। ये एक कायदा ही होना चाहिए, बोलो कायदा बोलते बिल्कुल। भाई 25% समाज के साधारण भाइयों के लिए, क्योंकि अपना भाई बचेगा मजबूत रहेगा तो समाज मजबूत रहेगा, और समाज मजबूत रहा तो धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। मेहता साहब, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं अगर उन्हें समृद्ध कर दिया जाए तो फिर वो भी तो डोनेट करेंगे, मंदिर के लिए डोनेट करेंगे, समाज के लिए डोनेट करेंगे। मेरे कहने का मतलब है मंदिर धर्म के लिए होने चाहिए, आराधना के लिए होने चाहिए, लेकिन मंदिर दुकानदारी के लिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पर एक अच्छी बात है कि अभी जीतो के माध्यम से मैं जीतो से जुड़ा हुआ हूँ। क्या होता है बहुत बार क्या होता है कि संस्था के बारे में थोड़ा ये रहता है, मालूम रहता है कि अभी जीतो ने यानी बेंगलोर नहीं, बेंगलोर अहमदाबाद सब जगह ये बात साधार्मिक भाइयों की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और पैसे वाले फुल अपना धन भी दे रहे हैं। गए साल यहाँ पर हमने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था और शायद ये ऐसा मुझे सूत्रों से मालूम हुआ कि अभी बड़ा फंड 100 करोड़ 200 करोड़ एक फंड कर आत्मनिर्भर भाइयों के लिए जी तो कर रहा है, सब प्रयत्न चालू है। बहुत तो अच्छी बात है कि सक्सेस हो, साधुवाद साधुवाद दे रहे हैं हम, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर जो सहधार्मिक भाई हैं उनके सम्मान और स्वाभिमान को कायम रखते हुए उन्हें ऊंचा उठाया जाना चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास नहीं देना चाहिए कि हम आपको दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उन्हें सम्मान और स्वाभिमान के साथ ऊपर उठाइए ताकि एक दिन वो समृद्ध होकर के भी समाज की सेवा कर सके। तो
ये अभी थोड़ा तो एक आशा दिख रही है, अंधेरे में भी एक प्रकाश दिख रहा है। यह साल यहाँ कॉलेज में जितने भी जैन भाई कमजोर थे जिनकी भी एडमिशन आई थी जीतों में तो पूरी थी, यानी आपके 80 जा रहे हैं 50 जा रहे हैं पूरी फी भरी गई है, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए फी के माध्यम से भरे हुए। यानी ये शुरुआत हो गई है, ये कोरोना काल से थोड़ी अलग शुरुआत हो गई कि पहले अपने साधु भाई, पहले जैन भाई, बाकी हेल्थ बाद में, पहले अपने समाज को, अपने जैन भाई को संभालो। ये आवाज चलती है साहब, भगवान करे अच्छी आवाज चले तो सब मजबूत हो जाएंगे। और मेहता साहब एक बात और है, ये सहायता तो मानवीय सहायता है, कोरोना काल में धार्मिक भाइयों को या दूसरे भाइयों को, ये तो मानवीय सहायता है, ये होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल के बाद में जीतो और ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ऐसे रोजगार देने चाहिए, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे लोग खुद तो समृद्ध हों और अपने साथ समाज के लोगों को और भी जोड़ सकें, उनका भी काम कर सकें, उनके भी परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले सकें। राइट राइट, आपकी बात बरोबर है और वो हिसाब से भी मैं आगे और प्रयत्न करेंगे। जो अध्यक्ष है जीतो के ऑल इंडिया के, उनको भी वो तो पर्सनली पहचानता हूँ, उनको भी लेटर लिखेंगे। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी 25, अभी आपको बोलता हूँ कि शायद 25 स्कूलों का भी उनका प्लानिंग है ऑल इंडिया में, बड़े बड़े सिटी में। चलिए बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन ताकि कई संस्थाओं में जाने से भी रुक सके और उधर कुछ संस्कार भी हो सके जैनों के, तो वो हिसाब से भी भविष्य तो अच्छा लग रहा है अभी जीतों के माध्यम से थोड़ा समाज के बारे में। मगर पैसे का काम हो रहा है, संस्कार का काम कैसे होगा वो तो गुरु भगवंत कर सकते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। गुरु भगवंतों का ध्यान नई पीढ़ी की तरफ नहीं है कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 4 महीने के चातुर्मास में कभी गुरु भगवंत ये नहीं पूछते कि भाई आपके मन में क्या है, समाज के मन में क्या है, आप हमारे से क्या चाहते हैं, कुछ भी नहीं। 4 महीना उनका ही व्याख्यान रहता है वन वे। तो ये मीटिंग होनी चाहिए, भाई समाज क्या चाहता है गुरु भगवंतों से, समाज में क्या कमी है, संस्कार क्यों कम हो रहे हैं, शादी में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको डिस्कशन हुआ तो उसका रास्ता निकलता है। बिल्कुल, आपकी बातें अपनी जगह एकदम सार्थक है और आज आपसे कुछ सवालों पर विचार विमर्श हुआ, कुछ कड़वे सवाल भी गए। हमारा मकसद किसी के मन को आहत करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन विसंगतियां किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं हुआ करती। विसंगतियां हर समाज हर संप्रदाय से दूर होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए और सबको अपनी अपनी सीमा रेखा में रहना चाहिए। जिस तरह से श्रावकों की अपनी सीमा है, ठीक उसी तरह से साधु संतों की भी अपनी सीमा है। वे जन कल्याण करें लेकिन आत्मकल्याण करें, आत्मकल्याण करने के साथ साथ जन कल्याण करें। साधु संतों में जिस तरह के ईगो प्रॉब्लम्स आते हैं, आपस की राजनीति होती है, कुछ जगह पे सभा संस्थाओं में भी अपना वर्चस्व दिखाने की ताकत वो दिखाते हैं, कोशिश करते हैं और कई जगह कर भी जाते हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी नजरों में जो भेद होता है अमीर और गरीब के बीच में, वो निश्चित रूप से आंखों को खटकता है, मन में पीड़ा देता है। मेहता साहब आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ विशेष बात और कुछ कहना चाहेंगे? कि आपके माध्यम से मैं सभी आगेवान और दृष्टियों को विनती करता हूँ कि वो श्रावक का धर्म निभा के कुछ तो उसके बारे में साधु भगवंतों से विचार विमर्श करके महावीर के सिद्धांत अपने इसमें कैसे उतरे उसके बारे में विचार करे। और कहते हैं कि मंजिलें भी जीती है, रास्ते भी जीती है, देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी तो हमारी जीती है, ट्राई करते रहेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जीतो संस्था के बारे में आपने बताया, हम जीतो के समस्त पदाधिकारियों को दिल से साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। हमने साधु भगवंतों के लिए जो कुछ कड़वे सवाल किए, हम स्पष्ट करना चाहते हैं ये सवाल सबके लिए नहीं है। बहुत सारे साधु संत आचार्य ऐसे हैं जो बिल्कुल भगवान महावीर के आदर्शों के अनुरूप चल रहे हैं, हम उनका वंदन उनका अभिनंदन करते हैं, हमारे कड़वे सवाल उनके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो साधु संत की भूमिका में होते हुए, साधु संत के परिधान में होते हुए अगर उस रूप में
पालन नहीं करते तो निश्चित रूप से समाज के लोगों के मन में सवाल उठते हैं, और उन्हीं सवालों को हमने अपनी आवाज दी है। मेहता साहब, बाबूलाल जी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े, बहुत बहुत आभार बाबूलाल जी आपका, और आप जैसे आपकी टीम के लोगों का भी सबके प्रति आभार। व्यूअर्स, ये थे बाबूलाल जी मेहता बेंगलोर से। जैन धर्म, जैन समाज पर कुछ कड़वे सवाल, कुछ मीठे जवाब, और कुछ मीठे जवाब और कुछ मीठे सवाल, दोनों ही बातें हमारे साथ हुई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद जी। ओके सर।